नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। अंबेडकर नगर जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भीम आर्मी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दिया है। भीम आर्मी की सक्रियता को देखते हुए प्रशासनिक टीम ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। अंबेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील मुख्यालय के सामने भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि बीते 20 सितंबर को भीम आर्मी के कार्यकर्ता अरुण कुमार का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला था। मामले में पुलिस टीम ने 3 आरोपियों को जेल रवाना कर दिया था, लेकिन भीम आर्मी के नेताओं की मांग है कि उन्हें आर्थिक मदद एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाए। भीम आर्मी के नेताओं ने चेतावनी दिया है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कार्यकर्ता अरुण कुमार जी की हत्या हो गई इसी 20 सितंबर को, आप लोगों को भी पता है। उस हत्या के संबंध में हम लोग आज SDM महोदय को एक ज्ञापन दिए हैं। उस ज्ञापन के माध्यम से हम शासन प्रशासन को ये बता रहे हैं कि जो अभियुक्त हैं, हत्या में लिप्त हैं, उन सारे लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। और दूसरी मांग है कि 1.5 बीघा कृषि योग्य भूमि जो SDM आलापुर के द्वारा हम लोगों का आश्वासन दिया गया था, वो मांगे हैं। तीसरी मांग है कि SDM आलापुर और DM अंबेडकर नगर के द्वारा दिया गया था कि 2 परिवार को, उनके पीड़ित परिवार के 2 लोगों को नगर पंचायत में नौकरी दी जाएगी। और तीसरी मांग हम लोगों ने ये रखा है कि जो SDM महोदय हैं वो मौखिक तौर पर हम लोगों को बुला करके अपने चैम्बर में उन्होंने कहा था कि हम 25 लाख के आर्थिक सहयोग करवाएंगे। और ये जो हमारी सारे मांगे हैं ये एकदम न्याय संगत है। और अरुण कुमार जी हमारे जो साथी थे वो आज हम लोगों के बीच नहीं हैं। अगर ये मांगे हम लोगों की नहीं मानी गई, हम लोगों ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी, जान आंदोलन।